हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई टीच डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास सिक्स। ये क्लास सिक्स का सिक्स जो है पार्ट है, पार्ट सिक्स है। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फूड प्रॉब्लम। क्या डिस्कस कर रहे हैं? फूड प्रॉब्लम। इससे पहले डिस्कस किए थे फूड चेन, अभी डिस्कस करें फूड प्रॉब्लम। व्हाट इज फूड प्रॉब्लम? मेनी पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ फूड। मेनी पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। दिस इज बिकॉज कह रहा है कि ऐसे हमारे कंट्री के बहुत सारे पीपल्स हैं जिसके पास रिक्वायर्ड अमाउंट में यह फूड नहीं है। दिस इज बिकॉज, यह क्योंकि देर इज ए शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड के शॉर्टेज की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, मेनी पीपल कैन नॉट बाय एनफ फूड ड्यू टू पॉवर्टी। पॉवर्टी के कारण जो है मेनी पीपल्स ऐसे हैं कि वो एनफ फूड को बाउट नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फूड प्रॉब्लम। ये क्या है? फूड प्रॉब्लम है। द फूड प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री कैन बी सोल्ड बाय द फ्लोइंग वेज। अगर हम लोग कुछ ऐसे वे हैं फूड का मैनेजमेंट सही रूप से हो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड, तो फूड प्रॉब्लम का जो समस्याएं है फूड प्रॉब्लम वो मिनिमम हो सकता है। तो वो देखते हैं कि कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट में, वी शुड ग्रो मोर फूड क्रॉप्स बाई यूजिंग मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। कह रहा है कि हम लोग को फूड क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए मॉडर्न मेथड के फार्मिंग के तरीके से। मॉडर्न मेथड के फार्मिंग का जो है, फार्मिंग का मॉडर्न मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग का फूड क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड स्टोर द फूड ग्रेन्स प्रॉपरली। फूड ग्रेन्स को हम लोग को फूड ग्रेन्स स्टोर करना चाहिए एक प्रॉपर वे में, सो दैट दे आर नॉट ईटन बाय पेस्ट्स लाइक रेट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लाइक हम लोग को फूड ग्रेन को इस तरह से प्रॉपर वे में स्टोर करना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि जितने सारे पेस्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रेट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, या स्पॉइल्ड हो जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर वे में अगर सही रूप से अगर फूड को हम लोग स्टोर करके रखें लॉन्ग टाइम के लिए ग्रेन्स को, तो ये चीज़ नहीं हो सकता है जो हम लोग का स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे। हम लोग को किसी भी तरीके से फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी। करा कि अधिक अगर हम लोग खाते हैं जो है ज़्यादा, तो वो जो है एक मोटापा का कारण बनता है। वी शुड नॉट टेक मोर फूड देन वी कैन ईट। वी शुड नॉट टेक मोर फूड देन वी कैन ईट। हम लोग को अधिक फूड नहीं लेना चाहिए, हम लोग खाते हैं जितना ज़रूरत हो उसी के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। वी शुड कंज्यूम ऑल द फूड वी टेक ऑन आवर प्लेट। प्लेट में जितना भोजन ले ताकि वो कम्प्लीटली जो है वो हम खा सकें। फूड में ऐसे हम लोग ले करके छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज वेस्टेड ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। कह रहे हैं कि हमारे कंट्री में काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है वेस्ट हो जाता है। क्यों? कि हम उसको जो है मैनेजमेंट जो है वो सही से नहीं हो पाता है। एट पार्टीज, बहुत सारे पार्टीज में, फंक्शंस में, अदर सोशल एक्टिविटीज़ में, ये सभी जो है उसमें बहुत सारे हम फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड बच्चों, ये क्लास सिक्स का पार्ट फाइव है। योर चैप्टर इज द एंड, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हम लोग कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में है, यहाँ पे देखते हैं, सेक्शन वन ओरल क्वेश्चंस है।
व्हाट आर द इंग्रेडिएंट यूज टू कुक राइस, राइस को कुक करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, तो राइस चाहिए, वाटर चाहिए। उसके बाद हाउ आर द टीथ ऑफ कार्निवोरस, हाउ इज स्केवेंजर्स यूजफुल फॉर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए स्केवेंजर्स जो है कैसे यूजफुल है। इससे पहले जब हम लोग स्केवेंजर्स जो है डिस्कस कर रहे थे उसमें इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर द टीथ ऑफ कार्निवोरस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हर्बीवोरस, कह रहे कि हर्बीवोरस का जो टीथ है उससे डिफरेंट टीथ होता है कार्निवोरस का, कैसे और क्यों होता है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है डिस्कस किए थे जब हर्बीवोरस और कार्निवोरस डिस्कस कर रहे थे उस टाइम में। नेक्स्ट है नेम टू प्लांट्स हुज फ्लावर्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स, नेम टू प्लांट्स हुज फ्लावर्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स, तो कॉलीफ्लावर्स है, उसके बाद ब्रोकली है, ब्रोकली नेक्स्ट है नेम अ पैरासाइट दैट लिव्स इनसाइड एन एनिमल्स बॉडी, एनिमल्स के बॉडी में कौन से ऐसे पैरासाइट्स हैं जो रहते हैं, टैप वर्म, हुक वर्म, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्म है जो किसी भी एनिमल्स के बॉडी के इनसाइड में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ए नंबर का व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट, इसमें से कौन से जो है उसको टिक आउट करना है कि मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, तो ऑयल जो है मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज एन एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट, पोटैटो प्लांट का हम लोग कौन सा पार्ट को एडिबल करते हैं, तो स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ फूड चेन ग्रास डियर लायन, तो द डियर इज इसमें से ये फूड चेन है ग्रास डियर और लायंस का, तो डियर क्या है आपका, हर्बीवोरस है क्योंकि डियर जो है ग्रास को खाने का वर्क करता है। नेक्स्ट है सर्कल द ओड वंस, इसमें से जो ओड है उसको सर्कल करना है, फर्स्ट में वेट राइस राजमा मज्जी, तो क्या है राइस जो है डिफरेंट सीजन में ये क्रॉप्स ग्रो करता है, इसीलिए वेट राजमा और मज्जी एक साथ करता है एक ही सीजन में, इसीलिए ये जो है डिफरेंट ओड हो गया। सेकंड में है लायन बियर टाइगर लियोपॉर्ड, तो लियोपॉर्ड डिफरेंट हो गया, ये इंसेक्ट खाने का काम करता है। नेक्स्ट है जैकल हाइन क्रॉ वल्चर, तो क्रॉ हो गया जो आपका हर्बीवोरस ये कार्निवोरस भी है, ये सभी जो है आपको स्केवेंजर्स हैं, वल्चर हाइन जैकल, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, मिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट, क्या है एनिमल प्रोडक्ट है। हनी बीज स्टोर हनी इन देयर हाइव, कहाँ हनी बीज जो है स्टोर करता है हनी को अपने हाइव में, तो टुडे इज क्लोज। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस किए, इसके बाद भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में। तो जब भी हम लोग डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को आप देखें उस टाइम में अपने बुक को ज़रूर ओपन रखें, ओपन रखें और लाइन बाय लाइन जो है वहाँ पे उस चीज़ को रीड करें ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। थैंक यू।